फ्रेंड्स, आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी कॉर्न करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। आप कभी भी बना सकते हैं, कभी आप जो है कभी फेस्टिवल हो या कभी आपके घर गेस्ट आए तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी होती है, फाइबर भी बहुत अधिक होता है इसके अंदर। तो चलिए मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैंने क्या बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्वीट बेबी कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए ये सारी सामग्री लिया है। ये मैंने गार्लिक, काजू और ये मलाई लिया है घर की, आप क्रीम भी ले सकते हैं। ये ऑनियन लिया है, दो टोमेटो लिया है, इसको हम चॉप कर लेंगे। और ये मैंने बेबी कॉर्न लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और उसके बाद इसको हम पीसेस में थोड़ा कट कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा स्लेंटिंग में कट करेंगे। तो इस तरह से हम सभी बेबी कॉर्न को कट करके रख लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने सारे कट करके ले लिए हैं सारे बेबी कॉर्न को, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरी मिर्च और गार्लिक और जिंजर ले लिया है, इसको हमें और ऑनियन का लेके इसको पेस्ट बनाना है हमें, तो इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे इस पहले। तो उसके बाद इसको हम पेस्ट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने पेस्ट रेडी करके एक साइड में रख लिया है। जो हमने टोमेटो लिया था उसका भी यहाँ पे हमने पेस्ट बना के रख लिया है, और उसके बाद जो काजू लिया था उसका भी हमें पेस्ट बनाना है, वो मैं बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और उसमें ऑयल डाला था। उसके बाद इसके अंदर जो कॉर्न है उसको हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, ताकि इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्न, बेबी कॉर्न फ्राई हो गया है हमारा। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में, और सेम कढ़ाई में ही हम बेबी कॉर्न की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा साल्ट डाल दिया है, ताकि इसके अंदर साल्ट अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा साल्ट डाल के मैंने और फ्राई किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये फ्राई हो गया है, इस तरह से हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल थोड़ा ले लिया है मैंने, और अब इसके अंदर हम करी बनाएंगे, क्योंकि हम करी बना रहे हैं। और आप इस बेबी कॉर्न से और भी बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और काली मिर्च, लौंग, ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं इससे, जो कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जीरा ऐड किया, उसके बाद ये जो खड़े मसाले लिए थे वो सारे हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसको हम भून लेंगे। इसको भूनने के बाद जो मैंने थोड़ा एक प्याज चॉप करके लिया है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इसको हम भून लेंगे पहले, उसके बाद हमें जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी ऑनियन भून गई है, अब हम ये जो पेस्ट, ये मैंने काजू लिया था उसका पेस्ट रेडी करके रख लिया है, और यहाँ पर हमारी जो ऑनियन है वो हो गई है फ्राई। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, और 1 चम्मच मैंने ये जीरा पाउडर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद हमें इसको भूनना है, और हल्दी लिया है मैंने। और तो ये मसाले हमारे भून गए हैं, तेल में मसाले भूनने से कलर बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पे जो मैंने प्याज ग्राइंड करके लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, तब तक हमको इसको भूनना है। तो यहाँ पे हमने देखिए भून रही हूँ मैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा था तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है इसको। और यहाँ पे देख लिए तेल सेपरेट हो गया है, और उसके बाद इसके अंदर हमें जो टमाटर पीस के हमने रखा था वो मैंने ऐड किया है, इसे भी हमें अच्छे से भूनना है तब तक जब तक हमारे मसाले में ये टमाटर अच्छे से ना भून जाए। तो यहाँ पर हम जो घर की मलाई लिए हैं, आप क्रीम भी ले सकते हैं, तो मैं मलाई को अभी ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई ऐड कर दिया है, उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं अच्छे से निकल जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। तो इस तरह से हमने मसाले रेडी कर लिए हैं, तो देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। उसके बाद हमें जो काजू का पेस्ट बनाया है, ये काजू का पेस्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने काजू का पेस्ट भी ऐड कर दिया, इसको भी भुनना है। यहाँ पे हमें इस स्टेज पे इस मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है, ताकि लगे नहीं, क्योंकि काजू का पेस्ट लग जाता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसलिए आप इसको लगातार भुनते रहें,
देख लिया और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है बेबी कॉर्न को, जो हमने उसको फ्राई करके रखा था, और उसके बाद इसको हमें मसाले के अंदर अच्छे से भुनना है। तो जब तक कि मसाले में अच्छे से नहीं आ जाए तब तक हमें इसको भुनना है। तो यहाँ पे हमने मसाले के अंदर भुन दिया है, अच्छे से ये भुन गया है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर हम वाटर ऐड करके उसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है, और जो जार में काजू का पेस्ट था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा मसल के हमको डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को भी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब यहाँ पे हमें इसे कवर कर देना है, और इसको बीच बीच में हम देखते रहेंगे और चलाते रहेंगे हर, तो इसको इसी तरह जब तक कि थोड़ा हमारा बेबी कॉर्न है गल जाए, बहुत अधिक नहीं गलाना है इसको। और इसके बाद हम इसके कवर कर दिए हैं, बीच में हम और भी इसको चेक करके और बीच में चला लेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा साल्ट ऐड किया है टेस्ट के अनुसार, और गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और इसको भी मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसे कवर करेंगे, और उसके बाद हम फिर से इसको कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी सब्जी रेडी हो गई है, हमने इसको पका लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी करी कितनी अच्छी बनी है, और बेबी कॉर्न भी अच्छे से हो गया है। तो अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, और बहुत ही इसको पूरी पराठे राइस किसी के साथ भी आप खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी बेबी कॉर्न करी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और उस बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।